छठी भूमिका की शोभा सुखपालों के रहने का स्थान। छठी भूमिका की शोभा देखते हैं। खुद को महसूस करते हैं रंग महल की छठी भूमिका। शोभा देखते हैं, घेर कर आए भारी 6000 मंदिर। मंदिरों से भीतर जाएं तो दो थंबों की हर तीन गली, दूसरी हर मंदिरों की पुनः त्रिपोलिया की शोभा, आगे हवेलियों के 36 फिरावे, ठीक मध्य में नवचौकों की शोभा। अब शोभा देखनी है कि तख्तरवा और सुखपाल इन भूमि में निवास करते हैं। तो तख्तरवा तो 28 स्तंभ के चौक में निवास करता है। नूरमई 28 स्तंभ का चौक, गिरदवाई घेर कर आए देखिए नूरमई थम, जवेरातों के नूरमई थम, उन पर आई सुंदर मेहराबे, यहाँ पे तख्तरवा निवास करता है। अब सुखपाल का स्थान देखना है कि सुखपाल कहाँ निवास करते हैं। बाहरी हार जो 6000 मंदिर हैं और इन मंदिरों की भीतरी तरफ एक मंदिर की दूरी पर ये जो पहली हार थंबों की है, इन दोनों की मध्य दहलान कहलाती है। इन्हीं दहलान में सुखपाल निवास करते हैं। बाहरी हार मंदिरों की जो ये पाखी की दीवार है, इन पाखी की दीवार के ठीक भीतर अंदर की तरफ सुखपालों का निवास स्थान है। और घेर का सुखपाल इस तरह से देखिए पाखी की दीवार के साथ, और दो सुखपाल ये देखिए धाम दरवाजे के दोनों ओर जो 56 हाथ की दीवार है वहां पर निवास करते हैं। अठाईस स्तंभ के चौक में तख्तरवा, और देखिए पाखी की दीवार के सामने सुखपाल। पाखी की दीवार जो दो मंदिरों को जोड़ने वाली बीच की दीवार आती है, उसके सामने सुखपालों की शोभा। मनवेगी इच्छाचारी सुखपाल जो धाम देने के दिल में इच्छा उपजते ही हाजिर हो जाते हैं। सो ये कैसे आए हैं, ये देखिए, ये 9 हाथ के तो लंबे और 4 हाथ के चौड़े आए हैं। 4 पाए, 4 पायों के ऊपर 4 डांडे, ठीक मध्य में 3 हाथ की जगह खाली है पांव रखने के लिए। दोनों ओर तखत की शोभा, गद्दी चाकले और तकियों की अपार शोभा। दोनों बैठकों के ऊपर सुंदर छत्र की शोभा, गजगाहों की शोभा। दो गुम्बद छतरी के ऊपर कलश ध्वजा पताका की शोभा। अति सुंदर नूरमयी सुखपाल नगों से जड़ित मोतियों की झालर, अति सुंदर रंगों से झिलमिलाते सुखपाल। तख्तरवा की शोभा, तख्तरवा 28 स्तंभ के चौक में निवास करते हैं। जब एक साथ मिलावे को जाने की इच्छा होती है तो तख्तरवा हाजिर होते हैं। जब सागरों में जाना होता है, मानिक पहाड़, जवेरों की नहरें, तो एक साथ जाते हैं 12,000 सखियां और आपसी राज श्यामा जी, तो तख्तरवा हाजिर होते हैं। तख्तरवा 16 पहल का आया है, 16 पायों पे 16 डांडे, कि हर डांडे के ऊपर कलश की शोभा, ठीक मध्य कलश ध्वजा पताका की शोभा, मध्य पश्चिम पर सिंहासन की शोभा, घेर कर कुर्सियों की शोभा, और ये कठेड़ा डांडों को भराएगी कठेड़ा। जब इन तख्तरवा पे बैठना होता है तो ये कठेड़ा सीढ़ी रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब उन्हें कठेरे की लगाने की इच्छा होती है तो पुनः ये कठेरे रूप में आ जाते हैं। तख्तरवा जब आसमान में उड़ता है तो एक गोल मकान की तरह अति सुंदर प्रतीत होता है। 16 पहल का, 16 डांडों पे आए 16 कलश ध्वजा पताका है, ठीक मध्य में आई कलश ध्वजा पताका, घुंघरियों की ठमकार, 16 पायों पे 16 डांडे, नूरमयी पश्चिम, सिंहासन कुर्सियों की शोभा,
बाहरी मंदिरों की हार व पहली थंबों की हार के मध्य देहलान में 6,000 सुखपाल आए हैं तथा एक तख्तरवा 28 थंब के चौक में आया है। शाम के 3 बजे ये सुखपाल तीसरी भूम की पड़साल से लग जाते हैं। तब एक सुखपाल में श्री राज श्यामा जी तथा बाकी सुखपाल में दो दो सखियां विराजमान होती हैं। सब सुखपाल मनचाही गति से उड़कर मनचाही जगह ले जाते हैं। जब हम सखियों के मन में चाहना होती है कि श्री राज श्यामा जी एवं सखियां एक साथ बैठकर जाएं, तो तख्तरवा में बैठकर सैर को जाते हैं। जब तख्तरवा एक गोल मकान जैसा आकाश में उड़ता है तो अति सुहावना।